बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। N24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ हरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। बुलेटिन की आवाज़ में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें नौशहरा वादी सोन से, जहाँ पर बीवी को कत्ल करके खुदकुशी का रंग देने वाला मुलजिम पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम की जानिब से सिचू थाना नौशहरा की जैनिक जानिब खसूसी टीम की कामयाब कार्रवाई। चंद रोज कबल मकतूला राबिया बतूल उम्र 18 साल के शोहर मोहम्मद शहजाद ने सुबह 8 बजे 15 पर कॉल करके इतला दी की बीवी ने खुदकुशी कर ली है। मुकामी पुलिस फौरन मौका पर पहुंची, लाश को कब्जा में लिया। हालात वाकयात मशकूक होने पर तफ्तीश की गयी तो दौरान तफ्तीश मुलजम शहजाद ने बीवी को गले में फंदा डालकर कत्ल करने का इंकशाफ किया। खावंद बेटे का ख्वाहिशमंद था जबकि बेटी पैदा होने पर गम व गुस्सा था। पुलिस ने शोहर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को ठोस शवाहिद की बुनियाद पर मुकदमा कायम करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। उकाड़ा की तारीख में डकैती की सबसे बड़ी वारदात, ताजर से रिकवरी के 1,63,00,000 रुपए लूट लिए गए। उकाड़ा थाना सल्ज की हदूद में अड्डा किसान के करीब डकैती की बड़ी वारदात। पतों की रहायशी ताजर मोहम्मद इब्राहिम के साथ 4 मसाला डाकुओं की वारदात। कार सवार मसाला डाकुओं की जानिब से ताजर से रिकवरी के 1,63,00,000 रुपए लूट लिए गए। मसाला डाकुओं की जानिब से ताजर से नेशनल हाईवे पर सरेआम डकैती की वारदात की गई। वारदात की CCTV फुटेज N24 न्यूज HD ने हासिल कर ली। फुटेज में कार सवार मसाला डाकुओं को वारदात करके फरार होते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। कमिश्नर कोहाट डिवीजन मोहम्मद आबिद खान वजीर ने डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर असमतुल्ला वजीर और दीगर अफसरान के हमराह कोहाट के निजी कॉलेज का विजिट किया। जनरल इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी, CCTV कैमरों की तंजीम, पार्किंग, इलेक्शन मटेरियल की तकसीम, इलेक्शन नताज के कलेक्शन पॉइंट्स, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम और दीगर इंतजाम का जायजा। इस मौका पर कमिश्नर कोहाट डिवीजन आबिद खान वजीर ने डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर असमतुल्ला वजीर के हमराह गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल कोहाट में जारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए तमाम पोलिंग अफसरान के तरबीती सेशन का भी जायजा लिया। कमिश्नर कोहाट डिवीजन ने अमले को गैर जानबदार और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर जोर दिया। जनरल इलेक्शन के हवाले से अपने फराइज तंदही से अदा करने की हिदायत जारी की ताकि इलेक्शन में शफाफ और ज़ाबते अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। ठट्ठा में टाउन कमेटी मकली के चेयरमैन को उमरा की अदायगी करने पर मकली के मुलाजमीन नकाश मसीह और दीगर की जानिब से मुबारकबाद दी गई है। चेयरमैन पीर ज़ैनुल आबिदीन शाह चेलानी को उमरा की अदायगी पर टाउन कमेटी मकली के तमाम मुलाजमीन नकाश मसीह, कमाल जाखरोज, शेरब्रोही, हाजी सरवर, आचार समूह, इनायत मसीह, मुस्तफ़ा खुश, मुख्तियार खत्री, दोस्त अली जाखरोज दीगर की जानिब से मुबारकबाद। इस मौका पर चेयरमैन टाउन कमेटी मकली पीर ज़ैनुल आबिदीन शाह चेलानी ने तमाम मुलाजमीन को हिदायत जारी की कि हमें मिलकर आवाम की खदमत करनी है। कहा, आवाम को तमाम सहूलियात से आरास्ता करना हमारा काम है। उकाड़ा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर सलीम सादिक की मिसेज ने बाकायदा तौर पर अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया। कारकुनान की बड़ी तादाद इस मौका पर मौजूद थी। PP 191 सलीम सादिक की मिसेज ने बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता शहरियों की बड़ी तादाद शरीक, वकला की भी भरपूर शिरकत। मुकर्ररीन का कहना था कि कोई भी जोर जबरदस्ती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता नहीं रोक सकता। अवाम खौफ के बुत तोड़ चुकी, अब नए पाकिस्तान का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। मिसेज सलीम सादिक ने मजीद कहा, एक आध रोज में 84 सलीम सादिक बाकायदा खुद कैंपेन करेंगे। प्रोग्राम के बाद बाकायदा कारकुनान ने रैली की शक्ल में बाजार का चक्कर लगाया। मर्दों के साथ साथ खवातीन की भी बहुत बड़ी तादाद शरीक। शुरका ने पेट्रियाए जिंदाबाद, कैदी 804 जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। कोहाटियों के हकूक की जंग, इंतखाब निशान किताब के संग, PK90 में सियासत का रुख मुड़ गया। सूबाई असम्बली के उम्मीदवार साबिक सीनियर नायब सदर अवामी नेशनल पार्टी लियाकत खटक दर्जनों साथियों समेत मुख्तलिफ पार्टी से मुस्ताफी होकर जमीतुल इस्लाम के नाम से उम्मीदवार हाजी मोहम्मद शुएब आफरीदी के हक में दस्तबरदार हो गए। काफिला हक जमीतुल इस्लाम में शामिल। कहा, जमीतुल इस्लाम हक और सच की जमात है। मौलाना फजल रहमान एक लीडर सियासतदान है। जमीतुल इस्लाम के मशरान के साथ परचम नबी के साय तले जिंदगी गुजारने का ऐलान। जिलई अमीर मौलाना अब्दुलरहीम, नामजद उम्मीदवार ब्राय कौमी असम्बली गुहर सैफुल्ला खान, तहसील अमीर मौलाना मोहम्मद रफीक और इनके दीगर साथियों को खुश आमदीद कहा गया। इनके फैसले को खुशाइन करार देते हुए जमीतुल इस्लाम की बड़ी कामयाबी करार दे दिया गया। कहा कि किताब का इंतखाब निशान ही जीतेगा। अब आपको हम खबर देते चलें चक तबकरा से, जहाँ पर रेलवे लाइन का कीमती लोहा चोरी करने की वारदात का वाकया पेश आया है। चोर रेलवे का लोहा रिक्शे में चोरी करके भागते हुए चक तबकरा से धर लिए गए। थाना मंडी सादीगंज की पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई, मौका पर पहुंचकर चोरों को रिक्शे समेत गिरफ्तार किया। रेलवे मुलाजिम अल्लाह दित्ता और मोहम्मद बशीर मुलाजिम गनमैन की बर्वक्त इतला पर पुलिस की कार्रवाई। चोर 30 मन रेलवे का लोहा चोरी करते हुए मौका से गिरफ्तार। रेलवे लाइन का कीमती लोहा चुराने वाले अमजद रहमानी अल्ताफ रहमानी दो चोरों को मौका से गिरफ्तार किया गया है जबकि 4 मुलजिमान फरार हो गए हैं।
अब आपको बताते चलें झोल से, जहां पर दौरान इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देने वाले अहलकारों के हवाले से तरबियती वर्कशॉप्स का इनेकाज किया गया। दो रोज़ा तरबियती सेशन के सिलसिला में जिला भर में 6 मराकज कायम। SSP संघ कैप्टन सदाम हुसैन के मुताबिक IG सिंध के अहकाम के तहत जनरल इलेक्शन 2024 के हवाले से सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम देने के लिए पुलिस अहलकारों की तरबियती नशस्तों का अहतमाम किया गया है। तमाम STPOs की जेर निगरानी जिला भर में 6 तरबियती मराकज कायम किए गए हैं, जिनमें तजुर्बाकार ट्रेनर्स पुलिस अहलकारों को इलेक्शन के दौरान सख्त सिक्योरिटी सर अंजाम देने की तरबियत फ्राहम की जाएगी। ये मराकज पुलिस लाइन सांगर, संझोरो, झोल, खिपरो, शादापुर और टिंडवादों में कायम किए गए हैं। तरबियत का मकसद इलेक्शन के दौरान आवाम में एहसास से तहफ़ पैदा करना, अमन अमान का क्याम, आवाम, इलेक्शन स्टाफ और इलेक्शन मटेरियल की हिफाजत को यकीनी बनाना है। बुलेटिन में अब रुकर से चलें जिला की मरवत का, जहाँ पर इलेक्शन लड़ने वाले आसाद की हैसियत से उम्मीदवार ने अपने साथियों समेत इंतखाबी मुहिम में धुआंधार एंट्री दे दी है। आसाद उम्मीदवार PK 105 शेर अली बास खान और फिना सरदार हुमायूं खान बेगो खेल का साथियों समेत अबा खेल में इंतखाबी मुहिम के दौरान धुआंधार एंट्री। मारूफ सियासी समाजी शख्सियत हाजी मुहिबुल्ला खान से इनकी रहायश पर मुलाकात। हाजी मुहिबुल्ला खान की जानिब से अवामी नेशनल पार्टी के नामजद उम्मीदवार बराए NA 41 रियाज खान मरवत और PK 105 पर आसाद उम्मीदवार पीना सरदार को भरपूर सपोर्ट का ऐलान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।